नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हमारे चैनल प्रथम सुख निरोगी काया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नया विषय लेकर आई हूँ। आज का हमारा विषय बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा है या फिर बहुत ही लाभकारी है। आइए आज के विषय के बारे में जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आज का विषय है काटा चौलाई। काटा चौलाई वर्षा ऋतु में भारतवर्ष में सर्वत्र उत्पन्न होता है। यह चौलाई नामक तरकारी ही की एक जाति होती है। इस पौधे का तना लाल रंग का होता है। इसके पत्ते चौड़े लंबगोल और इसके डंठल लंबे होते हैं। इसके ऊपर फूल का पन पीला होता है और लाल रंग के होते हैं। इसका साग प्राय सर्दियों के मौसम में बनाया जाता है। इसको हम साग, सब्जी, सूप, खिचड़ी में या बहुत से खाद्य पदार्थों में प्रयोग करते हैं। इसके प्रयोग से हमारे शरीर की ऊर्जा के स्रोत को बढ़ाया जाता है। यह एक उत्तम किस्म की औषधि है। चौलाई के तना, पौधा, जड़, फूल सभी औषधि का कार्य करते हैं। यह वनस्पति शीतल और गर्भाशय को शक्ति देने वाली तथा विषनाशक होती है। चौलाई का तासीर गर्म माना जाता है और यह सर्दियों के मौसम में या मौसम के बदलाव में होने वाली बीमारियों से इसके सेवन से लाभ मिलता है। चौलाई में विटामिन सी के साथ साथ आयरन, प्रोटीन भी पाया जाता है। यह हमारे शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करके संक्रमण से हमारा बचाव करता है। आइए चौलाई का किस तरह प्रयोग करना है और किस तरह से प्रयोग करके हमारे शरीर को संक्रमण से बचाया जा सकता है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। टिप्स नंबर वन, चौलाई का प्रयोग खांसी, श्वास रोगियों के लिए राहत देने वाला होता है। टिप्स नंबर टू, शहद के साथ इसके पिसे हुए मिश्रण का सेवन करने से रक्त पित्त मिटता है। टिप्स नंबर थ्री, चौलाई विषनाशक होता है। चौलाई के पत्ते को पानी के साथ पीसकर लेप करने से मकड़ी का विष भी दूर हो जाता है। टिप्स नंबर फोर, ऐसा माना जाता है कि नारू रोग में इसकी जड़ को पीसकर बांधने से नारू गल जाता है। टिप्स नंबर फाइव, चौलाई का सेवन गुर्दे की पथरी को गलाने वाला होता है। टिप्स नंबर सिक्स, बवासीर में रुक रुक कर पेशाब आने की समस्या को भी चौलाई के सेवन से इसका निवारण मिलता है। टिप्स नंबर सेवन, यह स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए भी बहुत लाभकारी होता है। टिप्स नंबर एट, चौलाई का सेवन गर्भाशय की वेदना को दूर करता है और ऐसा भी माना जाता है कि यह इसके सेवन से बांझपन की समस्या में भी राहत मिलती है। टिप्स नंबर नाइन, हृदय रोगियों के लिए भी इसका साग व सब्जी बहुत लाभकारी होती है। इसमें पोटाशियम की मात्रा अच्छी होती है जो हृदय को बल देती है। टिप्स नंबर टेन, चौलाई व मुलेठी को मिलाकर काढ़ा बनाकर पीने से मूत्र वृद्धि होकर सुजाक नष्ट हो जाती है। टिप्स नंबर इलेवन, चौलाई की जड़ पत्तों को उबालकर भरपेट पिलाने से सर्प विष में भी लाभ होता है। टिप्स नंबर 12, चौलाई और नीम के पत्तों को पीसकर कनपट्टी पर लेप करने से नाक से बहता हुआ खून बंद हो जाता है। टिप्स नंबर 13, चौलाई में विटामिन ए और विटामिन सी पाया जाता है जो नेत्र रोगियों के लिए व कम दिखने या चश्मा लगने वालों के लोगों के लिए भी असरदार परिणाम देता है। धन्यवाद।